स्टूडेंट्स, आज मैं सेकेंड ईयर एजी की एग्रोनॉमी के अंतर्गत आपको पार्ट फोर पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन है 14, सब्जेक्ट है लेआउट एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। तो इसके अंतर्गत जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तीन मैं आपको पढ़ा चुका, वर्गाकार विधि, आयताकार विधि और त्रिभुजाकार विधि। आज चौथी जो विधि बता रहा हूँ वो षट्भुजाकार विधि। बाग में पेड़ों के लिए आवश्यक स्थान मैं बिना कमी किए पौधे लगाने की यह उत्तम विधि है। इस विधि से पेड़ लगाने पर वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 15% अधिक पेड़ लगते हैं। यह विधि भी त्रिभुजाकार विधि के समान है। अंतर केवल इतना है कि इनमें त्रिभुज की भुजाएं बराबर बनती हैं, अर्थात समत्रभुज त्रिभुज का निर्माण होता है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी अपेक्षा कम होती है। 6 वृक्ष मिलकर एक षट्भुजाकार आकृति तैयार करते हैं तथा 7वां वृक्ष इनके बीच में रहता है। इस विधि से बाग कुछ घना हो जाता है। यह विधि कठिन होने के कारण कम प्रयोग में लाई जाती है। स्टूडेंट, मैंने आपको ये चित्र के द्वारा ये मैंने आपको समझाया है। देखिए, ये आपका त्रिभुज बन रहा है, ये इसको हम कह सकते हैं ए बी सी, फिर इसके कह सकते हैं डी। तो आपके पास 1, 2, 3, 4 प्लांट आ गए हैं, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से हम इसको लेंगे तो एक बीच में जो आपका पौधा आ जाएगा, 6 आपके किनारे पर आएगा और एक बीच में आएगा। ये इसलिए इसका नाम षट्भुजाकार विधि रखा गया है, इसमें 6 पंक्ति बन रही है। स्टूडेंट, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।